हमेशा फायर करता था। इनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स थे, इस बार सिर्फ बुमराह बचा और बुमराह अपनी बहुत अच्छी क्लासिक फॉर्म में नहीं इस बार सबसे बेस्ट बॉलर जो इनके पास है वो है वेलकम टू क्रिक बाजी, मैं हूं राहुल मागन, मेरे साथ है शिखर वाशने। आज का ये मैच ना भी बात करें तो भी ठीक है, ना भी करें ताश बैठ के खेल लें तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी है जो मतलब फिसी हुई है इस बार। भाई ये जो चेन्नई और मुंबई अपने सर पे ताज लेके बैठी हुई है कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, ठीक है, टेबल के सबसे नीचे है, मतलब अगर 8 टीमों वाला आईपीएल होता इस बार तो ये दोनों आती भी नहीं। हाँ, ये दोनों आती भी नहीं, 9वें और 10वें नंबर पे है। चेन्नई भगवान की दुआ से, थोड़ी सी प्लेयर्स की मेहनत से एक मैच जीत रही है, और मुंबई 6 लगातार डिफीट, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है, और किसी भी टीम के साथ पहली बार हुआ है 15 सीजन में कि 6 मैच लगातार हारी है। बहुत जलील हो रहे हैं, बहुत गालियां पड़ रही हैं, बड़ी बदनामी हो रही है, बड़े मीम्स बन रहे हैं। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी 119 पे। तो मुंबई की टीम जैसे जानी जाती है कि 5-टाइम चैंपियंस फाइटिंग टीम, और ये वो टीम है जिसके बारे में ये बात हो जाती है, भैया 5 मैच अगर हार गया ना तो 6ठे मैच में कमबैक करते हैं, और यही माना जाता है सीएसके के लिए भी कमबैक चैंपियंस, सीएसके कमबैक चैंपियंस। पर अभी नहीं हो रहा है, हर मैच में यही लग रहा है कि भाई आज कमबैक कर रहे हैं। पता है चेन्नई का जो लास्ट मैच हुआ ना, वो ऑलमोस्ट कमबैक कर गए थे, वो तो मतलब अचानक से ही आउट ऑफ सिलेबस राशिद खान आ गया, खान बेचारा 25 रन एक ओवर में, ऊपर से भाई वो पहली बार कप्तान बना है, पहली बार टीम हैंडल कर रहा है, इतनी अच्छी बैटिंग कर गया, उसकी कैचें छूट रही, और ऊपर से डेविड मिलर जिसके बारे में किसी सोचा नहीं था, मतलब बुड्ढा बंदा है क्या ही खेलेगा यार। वो लास्ट बार जब चला था तब 2016 में उसने लास्ट 50 मारी थी, उसके बाद अब चला है 6 साल बाद उसने सीधे 91-92। तो मतलब सीएसके के लिए ये बैड लक था, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हार गए, और सीएसके के लिए बैड लक पूरे सीजन में चलते हुए आ रहा है कि पूरी टीम में प्लेयर्स ऐसे हैं, चाहे ऋतुराज ले रहो चाहे धोनी ले रहो, ठीक है, वो प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके बाद टीम एफर्ट गायब है कहीं ना कहीं, और ऊपर से अच्छा हम आज ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो दोनों टीमों का डिस्कस करते हैं कि क्या लूप होल्स हैं। पहले चेन्नई का, तो मुझे लगता है कि बोलिंग हर बार ऐसा होता है कि देखो उनका बैटिंग चल जाता है, कोई ना कोई चल जाता है, अच्छा स्कोर कर जाता है, 2 बार मतलब 200 से ऊपर कर लें। प्रॉब्लम क्या हो रही है उनकी बॉलिंग की, हर बार डेथ ओवर्स में ना उनके पास कोई इज मिसिंग दीपक चहर बहुत ज्यादा, वो तो यार मतलब इस बार खेल ही नहीं पाएगा, तो हर बार डेथ ओवर में क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये बात की फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं ले पाता, फिर क्या होता है कि जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें वो रन लीक कर जाते हैं, मतलब हमेशा 58 रन दे दिए भाई जॉर्डन ने, वो भी 4 ओवर पूरे नहीं किए, 3.5 ओवर्स, और 15 की इकोनॉमी थी, जॉर्डन ही इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने ये मैच हराया है, मतलब ऊपर अब मुझे लग रहा है कि ओवरसीज वाला स्लॉट भी वो खा ही रहा है, रन भी वो बना नहीं पा रहा, रन दे भी इतने ज्यादा रहा है, तो अच्छा, मतलब तो जॉर्डन एक ऐसा प्लेयर है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर हम जॉर्डन को निकाल दें तो सीएसके के पास क्या ऑप्शन है बोलिंग, क्योंकि मुझे ना बोलिंग यूनिट एज सीएसके, वो सीएसके के पास एडम मिलने हैं जो आ सकते हैं टीम में, मतलब फॉरेन स्लॉट की भी दिक्कत नहीं है, और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं 140-145, तो एडम मिलने हैं जिनके साथ लग रहा है इस मैच में आज के हाँ, इस मैच में मुझे लग रहा है कि जॉर्डन को तो नहीं रखना चाहिए टीम, थिथाना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुकेश चौधरी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रावो हर बार, मतलब पिछले मैच में जो जीटी वाला मैच था उसमें ब्रावो ने आई थिंक 13वां ओवर था पूरा का पूरा विकेट मेड इन निकाला है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा था, वो भी तब जब डेविड मिलर खेल रहा था सामने। चेन्नई के लिए पता है क्या है ना कि इनके 4-5 बॉलर इकट्ठे अगर परफॉर्म करें ठीक है, हाँ, तो मतलब अगर कोई एक भी बहुत ज्यादा पिट गया है तो उन लोगों को कवर करना पड़ेगा बाकी बॉलर्स को। तो जैसे आपका कहना है कि डेविड मिलने हो सकता है इस बार आ जाए, एडम मिलने आ जाए। अब बात करते हैं मुंबई की, मुझे लगता है मुंबई में रोहित शर्मा तो ओपनिंग देखो उनका क्या है कि मिडिल ऑर्डर हर बार संभाल रहा है, मिडिल ऑर्डर हर बार फायर कर रहा है, जैसे सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, कभी कभी पोलार्ड भी चल जाता है, बट उनका ओपनिंग स्लॉट कभी भी नहीं चल पा रहा है। ईशान किशन एक मैच में चले थे, वो स्पार्क मारता है पर फिर वो फुस हो जाता है, और रोहित शर्मा तो मतलब मैं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, पर आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है भाई, उसे इतनी जिम्मेदारियां दे दी है ना, टेस्ट टीम, ओडीआई टीम, टी20 टीम,
उसके बाद आईपीएल की टीम, चलो उसके बाद उसके ऊपर ये भी है कि भाई तो कोहली से डरता रहता है। आईपीएल में बेशक आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, बट जब बारी आएगी इंटरनेशनल मैचेस की तो तब ऐसा नहीं होना। जी ये डेढ़ महीना है, ठीक है, तब ऐसा नहीं होना। उस पे ये भी आरोप है कि भाई तू कोहली से डरता रहता है, उसके बाद उस पे ये भी प्रेशर है कि भाई तूने 5 बार ट्रॉफी जिता दी, इस बार तेरी टीम को क्या हो गया। अब तुमने ऑक्शन में अच्छी टीम नहीं खरीदी है, क्या करे, ठीक है। तो मतलब आप अगर चेन्नई की ये मुंबई की टीम उठा के देखोगे तो ऑन पेपर मुंबई इतने सालों में बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती थी। और हाँ। पता है इनका एक बात और थी कि इनका एज अ बॉलिंग यूनिट अगर देखो ना, हमेशा फायर करता था। इनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स थे, इस बार सिर्फ बुमराह बचा और बुमराह अपनी बहुत अच्छी क्लासिक फॉर्म में नहीं इस बार है। सबसे बेस्ट बॉलर जो इनके पास है वो है जहीर खान, जो डगआउट में बैठा हुआ है। ये जहीर खान बेचारा खेल ही नहीं रहा। मुझे आप एक बात बताओ, मुंबई के पास अच्छा स्पिनर कौन है? मुर्गन अश्विन, ठीक है, जो डोमेस्टिक प्लेयर है, इंडिया खेला भी नहीं है कभी, तो मुंबई उस चक्कर में एक्सपीरियंस में लैक तो कर ही रही है। यार आप सोचो पिछले, सिर्फ पिछले साल की मुंबई इंडियंस 2021 की क्या क्या प्लेयर्स होते थे यार, मतलब इतने स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को तो मतलब बहुत ही मिस कर रही है मुंबई, क्योंकि राहुल चहर को मिस कर रही है, कुणाल पांड्या को मिस कर रही है, सबको ही मिस कर रही है यार। मतलब हम 6 मैच हार रहे हैं तो सारे अच्छे अच्छे बंदे मिस कर रहे हैं। और एक और फास्ट बॉलर था उनका, कौन था यार, ट्रेंट बोल्ट, उसको बहुत मिस कर रहे हैं यार भाई साहब। तो मतलब ये देखो, बॉलिंग यूनिट बहुत बेकार, ओपनिंग यूनिट बेकार, सिर्फ मिडिल ऑर्डर क्लिक कर रहे हैं। फैंस भी साहब पुरानी चेन्नई और पुरानी मुंबई को तो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं कि ठीक है। और इस मैच में भी हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो मुंबई थोड़ा सा आगे है, बट आज के मैच में मुझे लग रहा है कि चेन्नई थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में, थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा है स्पार्क दिखाई दी है, वो बैड लक था। चेन्नई जीतती हुई टीम लग रही है सारे मैचेस में, जीता हुआ मैच था, हार गए, तो मुझे लग रहा है ये मैच जैसे देखा जाए तो 60-40 है, 60 इन फेवर ऑफ चेन्नई, 40 इन फेवर ऑफ मुंबई। और अगर मुंबई को क्वालिफाई करना है तो उन्हें अपने 8 बचे हुए मैचेस जो है वो अच्छे रन रेट से लगातार जीतने पड़ेंगे, जो बड़ा मुश्किल काम है। चेन्नई को 7 मैच जीतने पड़ेंगे क्योंकि वो एक ऑलरेडी जीत चुके हैं। हाँ। तो ये चीज है। और टोटल जो मैचेस हुए हैं वो 32 मैच हुए हैं, जिसमें से 19 मुंबई जीती है और 13 मैच चेन्नई जीती है। तो यहाँ पर मुंबई थोड़ी सी ऊपर है, बट तो आज तो कल की बातें हैं जी। हाँ। ये तब की बात है जब 2021 में दोनों टीम्स बहुत अच्छी होती थी। हाँ। तो इस बार में ये रूल अप्लाई नहीं होता, पर हाँ एक चीज जो अप्लाई होती है वो हर रोज अप्लाई होती है जब भी हम क्रिकबाजी करते हैं, वो होता है टीम इलेवन। टीम इलेवन में हम वो सारे प्लेयर्स चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमें थोड़े से पैसे जिता पाएंगे। अब इन दोनों टीम्स में प्लेयर्स चुनने थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने नहीं है। ये होता है अंधों में काणा राजा। हाँ। तो हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो चुनो भैया, आपने क्या उठाए हैं मुंबई की टीम से बताओ आपने। मुंबई की टीम में से हमने उठाए हैं ईशान किशन, ट्रेविस, क्योंकि वो कभी कभार विकेट भी ले लेते हैं और खेल भी जाते हैं, अच्छे स्कोर भी मार लेते हैं, स्काई को तो रखना ही है, देन पोलार्ड एंड देन जयदेव उनादकट। चेन्नई की टीम से ऋतुराज गायकवाड, पिछले मैच में उन्होंने 73 रन मारे थे। उसके बाद मैंने दिए रायडू, उसके बाद जडेजा पे मतलब ये पे जडेजा दो छक्के मारे थे उसने, तो ठीक है मैं रख सकता हूँ, कैच वैच में भी कभी उसके बाद विकेट भी ले लेता है। उसके बाद ब्रावो, धोनी और मुकेश चौधरी, और आई थिंक तीक्ष्णा को लेना चाहिए बिकॉज वो हर बार अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमी रेट भी अच्छी जा रही है, विकेट भी ले रहे हैं। हाँ। तो ये थी जी टीम 11। अब बात करते हैं हमारे क्रिकेटबाजी के बाजीगर। तो आज का सवाल बड़ा ही आसान है जैसा आसान मैच है। तो 2008 का पहला आईपीएल फाइनल आपको याद ही होगा, राजस्थान जो जीती थी। यस, सीएसके के अगेंस्ट वो मैच था। आपको बस ये बताना है कि उस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था। आपको ये बता दूं उसने 56 रन मारे थे 32 गेंदों में शायद, और 3 विकेटें मिली थी 22 रन देके। इजी है ना? इजी है, मैं समझ गया। हिंट देना चाहूंगा मैं दे देता हूँ, एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। अच्छा। हिंट ये है कि वो जो प्लेयर है उनके जो सिबलिंग है या उनके जो भाई है वो आपको कमेंट्री बॉक्स में सुनने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना आंसर ठोक जल्दी से बता दीजिए। और एचटी स्मार्ट प्लस, फीवर एफएम, राहुल मार्किन 1, शिखर _VAR, इन सारे हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए और देखते रहिए क्रिकबाजी।